दोनों टीमों के अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अतिरिक्त खिलाड़ी जितने भी ये ग्राउंड से बाहर आ जाए। मैन एम्पायर रवि जी, लेग एम्पायर सलमान जी, गेंदबाजी के लिए तैयार विष्णु जी और दोनों, और यहाँ पर ड्रोन कैमरा भी उपलब्ध करा दिया गया है इस मैच का लाइव बताने के लिए। एक्स्ट्रा प्लेयर उदयपुर के अतिरिक्त प्लेयर एक कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। उदयपुर का अतिरिक्त प्लेयर अभी जल्दी, ये ड्रोन कैमरा चालू हो रहा है, इसका भी लाइव चालू होने जा रहा है। ये दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का, बाड़मेर वुल्फ्स वर्सेज विनायक क्लब उदयपुर। ड्रॉन चालू हो रहा है। उदयपुर के ओपनर बैट्समैन मैन स्ट्राइक पर है। खुशहाल और राकेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। खुशहाल है मैन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर राकेश जी। रोहित जी का काफी भावुक भरा स्पीच था और जिसका जिक्र किया कमिटी ओपनर चेंज किया जा रहा है। मिथुन जी आएंगे बल्लेबाजी के लिए। ड्रोन कैमरा भी लाइव चालू किया जा रहा है क्रानी कमेटी की ओर से। इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा, कौन सी टीम होती है देखना दिलचस्प रहेगा। काफी हद तक सारी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत ही अच्छी गेंद, विष्णु जो रफ्तार काफी तेज रखते हैं आमतौर पर। मिसफील्ड, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। विष्णु तैयार एक बार फिर से, इसके बाद जल्दी फाइनल भी। एक और काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है बाड़मेर बुल्स के पास, जिसके लिए वो जानी जाती है।
एक बार फिर से तैयार। मिस फील्ड वहां पर चार रन मिलते हुए। अच्छा शॉट हल्के हाथों से खेला फील्डर दयानाथ। जल्दी फाइनल मुकाबला भी चालू होगा। अभी ड्रोन कैमरा लाइव किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रही है रानी कमेटी इस मैच में फाइनल सेमीफाइनल्स के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में पहली बार आई है और गजब का प्रदर्शन किया। और अच्छा शॉट गेंसी मारे कैसे बाहर चार रनों के लिए। अच्छा शॉट फील्डर तैनात विष्णु जी और गेवर जी बाड़मेर को मिलती हुई पहली सफलता। अब आए हैं अगले बैट्समैन कौशल जी। जयपुर की अच्छी टीम है ये। अच्छा शॉट हल्के हाथों से खेला चार रन। बाउंड्री के पास में जितने भी दर्शक बैठे आप सभी से निवेदन है कृपया चेहरे थोड़ी पीछे रखें। बहुत ही तेज दौड़ते हैं प्लेयर, किसी को भी नुकसान हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। आप एंड टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकते। मोमेंट गजब के भागने वाले प्लेयर हैं ये बाड़मेर से आए हुए। सभी से निवेदन है चेयर ज्यादा पीछे रखें बाउंड्री से। बहुत अच्छी गेंद अच्छा शॉट फील्डर तैनात। इसी अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। और अब आपके सामने
दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। अठारह रन दो ओवर की समाप्ति के बाद अगले वापस आए हैं। अब आपके सामने ड्रोन कैमरा भी लाइव किया जा रहा है। YouTube पर इस ड्रोन कैमरे को भी लाइव किया जा रहा है अब, और इससे लेग बाई के रूप में सिंगल आता हुआ व्हाइट बॉल का इशारा। बहुत ही अच्छा मिसफील्ड कर दिए। इस टूर्नामेंट को YouTube पर लाइव देखने वालों के लिए दो कैमरे की व्यवस्था, उसके साथ एक ड्रोन कैमरे की व्यवस्था रानी कमेटी की ओर से की जा रही है। क्या गजब का टूर्नामेंट, बहुत ही अच्छा आयोजन कमेटी यहां पर कर रही है प्रयास PPL में खिलाड़ियों के लिए। बहुत अच्छी नो गेंद, फ्री हिट मिलेगा यहां पर। गेवर जी वाडमेर को, गौरव जी प्रजापत को पता है इस टूर्नामेंट में एक अवार्ड और रखा गया, फेयर प्ले अवार्ड, उसके लिए अपने खिलाड़ियों को यही सजा दे रहे हैं। फ्री हिट पर अच्छा शॉट, गेंद जारी बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, किसी के पास कोई भी टाइमिंग नहीं, सीधे गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर, चौकों की हैट्रिक बनाते हुए यहां पर कौशल जी 35 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकेश जी काफी ध्यान देते हुए अपनी टीम के स्कोर को लेकर।
तीन ओवर 35 रन एक विकेट को नुकसान पर। अब आए हैं नए गेंदबाज संतोष जी बाड़मेर। संतोष जी बाड़मेर नए गेंदबाज। अब आए हैं स्ट्राइक पर वही बल्लेबाज जिन्होंने लगातार तीन गेंदों में हैट्रिक बनाई थी। अभी भी देखना है, तीन गेंदों में कंटिन्यू तीन चौके लगाए थे। अच्छा टाइमिंग के साथ खेला, एक रन से संतुष्ट। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी शॉट, इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं, पूरे पीपीएल का हीरो, इससे कोई गलती नहीं हो सकती। और इसी अच्छे कैच के साथ ओवर की समाप्ति, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब आए हैं अगले नए बल्लेबाज पवन जी। अगले गेंदबाज आए हैं प्रकाश जी। प्रकाश
अच्छा शॉट हल्के हाथों से खेला, फील्डर तैनात, मिस फील्ड, गेंद जा रही है, फील्डर एक रन से संतुष्ट। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रकाश जी, अभी आए हैं, पावर प्ले भी पूरा हो चुका है, पांचवा ओवर चलता हुआ। काफी बड़ी अपील, एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं, दर्शक भी काफी संख्या में उपलब्ध हैं यहां पर। कांच से कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पर बैठे सामने इस ग्लास को। बहुत ही बड़ा शॉट यहां पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, छह रनों के लिए। मिथुन के बल्ले से निकलता वो एक अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी गेंद वापसी करते हुए। और इसी के साथ आपके सामने ड्रोन कैमरे की व्यवस्था और कमेटी की ओर से ये ड्रोन कैमरा चालू किया जा रहा है दर्शकों के लिए और प्लेयर्स के लिए भी ये अच्छी सुविधा। यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से इस मैच का लाइव दिखाया जा रहा है। अच्छा शॉट खेलते ही दौड़ लिए, ड्रोन कैमरे के माध्यम से एक व्यू दिखाया जाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इससे आपको वहां पर क्रीज का पूरा हाल दिखाई देगा। सैतालीस रन, फोर्टी सेवन, गौरव पर जब चले अच्छा शॉट,
बहुत ही अच्छा। इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे होते हुए अच्छा शॉट खेलते ही दौड़ लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया यहां पर विष्णु जी ने। अगर ये कैच होता तो इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच में एक और होता। बहुत बड़ा प्रयास यहां पर विष्णु जी का। उम्दा प्लेयर है ये विष्णु जी और आपको ड्रोन कैमरा दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। चार रनों की ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 57 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से नया ओवर लेकर आते हुए संतोष जी बाड़मेर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया गेंदबाज ने बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंद, आउट होकर पवेलियन आते हुए यहां पर मिथुन जी रिटायर। रिटायर्ड हट
लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रन, काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप है यहां पर विनायक क्लब उदयपुर की। बहुत ही अच्छा कट किया है यहां पर पवन जी ने उदयपुर के लिए। स्टार गेंदबाज है पवन जी और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। गौरव की क्या शानदार फील्डिंग वहां पर और गजब का थ्रो। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 61 रन है। हरीश जी 61 सही है, सही है कहीं 61 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर विनायक क्लब उदयपुर का स्कोर। अब आए हैं अगले गेंदबाज प्रकाश जी। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर, ओवर थ्रो में यहां पर काफी जोशीले खिलाड़ी है बाड़मेर के। गौरव प्रजापति समझाते हुए अपने प्लेयर्स को, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद गौरव प्रजापत, इनसे कभी कोई गलती नहीं होती है, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। होनहार होनहार प्रतिभावान प्लेयर है गौरव प्रजापत पूरे पीपीएल के। एक बार और अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक बार फिर से गौरव जी की। एक बार फिर से प्रकाश जी चले, फील्डर तैनात, एक और विकेट का पतन यहां पर। राहुल जी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कल राहुल जी ने क्या अच्छी बल्लेबाजी की थी और नरेश जी अब आउट होकर पवेलियन आ रहे हैं जो कल के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। रानी कमेटी बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर तैनात और एक और विकेट का पतन, बड़ा विकेट यहां पर पवन जी का। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट हैट्रिक पर हैं यहां पर। अगले बैट्समैन आए हैं, अगर यहां पर हैट्रिक बनाते हैं प्रकाश जी आपके लिए उपहार श्रीमान श्रीमान चंदू जी की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 2 गेंदों पे 2 विकेट ले चुके हैं पहले से ही।
अगर इस गेंद पर विकेट लेते हैं तो हैट्रिक होगी इनकी। काफी अच्छा टूर्नामेंट ये प्रकाश जी हैट्रिक पर। अच्छा शॉट और फील्डर तैनात जब तक फील्ड करके थ्रो करते। इसी अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रानी कमेटी के तीन आयोजनकर्ता सुरेश जी बिजोवा सुरेश जी और सोहन जी चाचोड़ी विनायक क्लब उदयपुर के कैप्टन मुकेश जी की बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। अगर नंबर आया तो वो भी अच्छे हाथ दिखाएंगे मुकेश जी। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहां पर यूट्यूब पर। ये ड्रॉन 67 रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स माफ कीजिएगा। यूट्यूब पर देख सकते हैं आप ड्रॉन की सहायता से जो सीन लिया गया था वो बता रहे हैं पूरा लाइव। रानी काम आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर। 67 रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स 63 रन। गौरव को मिलती हुई एक और सफलता यहां पर। बहुत ही अच्छी गेंदी और एक और विकेट का पतन यहां पर। और कैप्टन गोल मुकेश जी बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। कमेटी मेंबर इनकी बल्लेबाजी देखना चाहते थे। ड्रोन के माध्यम से आप यूट्यूब पर अभी जितने भी दर्शक हैं ये सीन देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। गौरव ये अपना कोटे का तीसरा ओवर डालते हुए। मुकेश जी आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। काफी अच्छी सुविधा कर रही है रानी कमेटी और इस बार आने वाला सीजन इससे भी धमाकेदार लेकर आएंगे। बहुत ही गजब का होगा आने वाला सीजन। सारे उभरते हुए सितारे। बहुत ही अच्छा शॉट फील्डर तैनात। मिस फील्ड वहां पर 4 रनों के लिए गेंद। आते ही खाते से चौके से खाता खोला यहां पर। एक और अच्छा शॉट फील्डर तैनात। गौरव अपना अंतिम ओवर लेकर लोकेश जी के लिए जाते हुए। काफी बड़ा लंबा शॉट गौरव जी जा रहे हैं गेंद के नीचे। काफी मेहनत की थी इस कैच को लेने के लिए असफल रहे बाड़मेर बुल्स।
एक और विकेट का पतन यहां पर गौरव जी को मिलती हुई है। तीसरी सफलता लकी। अब आए हैं नए बल्लेबाज लकी जी उदयपुर। ड्रोन के माध्यम से ये मैच लाइव बताया जा रहा है। ड्रोन कैमरा बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर तैनात। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 75 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 75 रन 7 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आए हैं, बॉलर नेम सुरेश जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश। दर्शकों को, सभी YouTube दर्शकों को ये ड्रोन के माध्यम से सीन बताया जा रहा है अभी YouTube पर। बहुत ही करारा प्रहार, फील्डर तैनात और मिस फील्ड वहां पर। कोई बात नहीं, बहुत ही गजब का मैच हो रहा है ये। इसके बाद फाइनल होगा। जहां पर बहुत ही बड़ा खतरा मोल लिया और एक और विकेट का पतन, 8 विकेट के नुकसान पर। मुकेश जी, नए बल्लेबाज का नाम, नए बल्लेबाज का नाम हितेश जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, खेल एक और विकेट का पतन। यहां पर विनय क्लब बहुत जल्दबाजी कर रही है। यहां पर मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, जो भी ये ड्रोन कैमरा चला रहे हैं ऊपर, इनसे निवेदन है इस ड्रोन को हटा लें। दर्शक जो भी है, अगले नए बल्लेबाज आए हैं। बल्लेबाज का नाम, बल्लेबाज का नाम मुकेश जी। सुंदरलाल जी आए बल्लेबाजी करने के लिए।
बहुत ही अच्छी, एक और विकेट का पतन यहां पर, ऑल आउट 80 रन। ये इसमें टूर्नामेंट में दूसरा ऑल आउट देखने को मिला 10 ओवरों में। अब आ रहे हैं वापस उदयपुर, विनायक क्लब उदयपुर से निवेदन है जल्द से जल्द अपना फील्ड प्लेसमेंट करें। बाड़मेर गौरव जी प्रजापत से निवेदन है जल्द से जल्द अपने दो ओपनर बैट्समैन भेज दें, क्योंकि समय आपको भी पता है समय की बहुत कमी है। वन प्रजापति प्रीमियर लीग 2018 सीजन 2, मैं हूं महेश प्रजापत कमेंट्री बॉक्स में, और आपको ये सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा है विनायक क्लब उदयपुर वर्सेस बाड़मेर बुल्स। काफी अच्छा मैच, और इसके बाद काफी हद तक फाइनल मैच भी जल्द ही शुरू होगा। बहुत ही गजब के इस मैच हो रहे हैं यहां पर। बहुत ही जल्द फील्ड सेटअप कर रही है विनायक क्लब उदयपुर की टीम बाड़मेर बुल्स को जीतने के लिए। निर्धारित 10 ओवरों में 81 रन बनाने हैं 81। हमारे बीच में प्रजापति प्रीमियर लीग 2018 सीजन 2, बहुत ही इस ग्राउंड के उम्दा प्लेयर सीनियर खिलाड़ी इस ग्राउंड के हमारे बीच में पधारे, हम उनका प्रजापति प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्रीमान गुलाब सिंह जी, जिनका रानी कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन, हमारे बीच पधारे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए बाड़मेर बुल्स से निवेदन, एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विनायक क्लब उदयपुर से एक अतिरिक्त प्लेयर हो बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं पवन जी, गौरव जी मैन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कल के इन्फॉर्म बल्लेबाज सरवण जी। और आपको बता दूं दर्शकों को, यूट्यूब लाइव के हो, ये ड्रोन के माध्यम से इस मैच का हाल दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था में लगे हुए हैं हमारे ड्रोन कैमरा के कैमरामैन और मदन जी फ्रॉम रानीगांव वाले भी, एम्पायर सर सलमान जी और बीआरजी फिल्म के कार्यक्रम ये दिखाते हैं, और अपने मैच को भी यहाँ पर बीआरजी के माध्यम और जीटीसी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्या गजब की व्यवस्था इस कमेटी की ओर से की गई पूरे ही टूर्नामेंट में, सभी का आभार। पीपीएल में, मारवाड़, पूरे राजस्थान में बड़ा टूर्नामेंट है ये। इसके बाद एक और टूर्नामेंट होगा मुंबई में, जो अभी डेट फिक्स नहीं की गई, वो आईपीएल की तरह ऑक्शन टूर्नामेंट किया जाएगा, जिसमें सारे प्लेयरों की बोली लगी है,
बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है वो भी प्रजापत समाज का, और आपको अब ये ड्रोन के माध्यम से पूरा रानी दिखाया जाएगा। वाइड गेंद से शुरुआत करते हुए पवन जी, ललचाया गेंद को पर उतने ही होशियार थे गौरव जी प्रजापत। काफी अच्छा गेंद में मिश्रण करते हुए पवन जी, बहुत ही अच्छी गेंद नॉन स्ट्राइक पर आए। गौरव जी लेग बाई का इशारा, पूरे मैच में अच्छी एम्पायरिंग देखने को मिली हमारे साथ एम्पायर सर रवि जी और उनके साथ में साथ दे रहे सलमान जी, बहुत ही अच्छे डिसीजन दिए इस पूरे टूर्नामेंट में। बहुत ही अच्छा शॉट, खेलते ही दौड़ लिए, उतनी अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतुष्ट। बहुत ही लंबा छक्का यहाँ पर, बाड़मेर बुल्स इसी छक्के की सहायता से स्कोर में इजाफा होता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। पवन जी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छा सम्मान दिया गेंद को इसी अच्छी गेंद के साथ, ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। और आपको दर्शकों को बताते हैं ड्रोन कैमरा YouTube पर दिखाया जा रहा है। दूसरा ओवर लेकर आते हुए राकेश जी आए दूसरा ओवर लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद, क्या नो गेंद, नो बॉल, फ्री हिट। चार रन भी मिले नो बॉल पर, अब देखना है किस तरह की फ्री हिट पर गेंद डालते हैं।
बहुत ही बड़ा प्रहार यहां पर गौरव जी प्रजापत का, लंबा छक्का। रक्षात्मक रूप से खेला वहां पर, बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से खेल दिया। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। पवन जी आए हैं वापस गेंदबाजी के लिए। वाइड बॉल का इशारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बहुत ही अच्छा यहां पर पवन जी गेंदबाजी करते हुए, फील्ड में कुछ परिवर्तन। एक और नो गेंद, गौरव जी को फ्री हिट मिलता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और अच्छा शॉट, फील्डर तैनात वहां पर। बहुत ही अच्छी गेंद, जो छोटे बच्चे वहां पर मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं उनसे निवेदन, कृपया बाहर चले जाएं।
छोटे बच्चे जो मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के बाड़मेर बुल्स के लिए बहुत ही बड़ी बात। और YouTube के दर्शकों को, YouTube के दर्शकों को ड्रोन कैमरा से ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखी है पूरी रानी कमेटी की ओर से। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, पूरा रानी दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, पूरा रानी। बहुत ही अच्छा, YouTube पर इसके बाद जल्द ही फाइनल मुकाबला चालू होगा। गेंदबाजी के लिए आए हैं अब नेम, बॉलर नेम नरेश जी। पावर प्ले पूरा हो चुका है, वाइड गेंद का इशारा। अभी हमारे बीच में कुछ ही देर बाद रानी के विधायक श्रीमान खुशवीर सिंह जी जोजावर जो हमारे बीच में पहुंचेंगे। बहुत अच्छी गेंद, दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत। पहली बार ये पीपीएल खेलती हुई, नो बॉल फ्री हिट। नो गेंद फ्री हिट। एम्पायर से
किसी प्रकार की कोई भी बहसबाजी ना करें। कमेटी का एक मेंबर अंदर चले जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो। चेंज हुआ तो उसने बोला नहीं एम्पायर को सेम साइड, इसलिए नो दिया। रूल्स नहीं है सही है, ये बोल रहे हैं रूल्स के लिए बोल रहे हैं, मतलब बैट्समैन चेंज हुआ वो गया उसने इधर से सेम साइड से गेंद डाली है, एम्पायर ने नो दे दी। वो रूल्स थोड़ी है मतलब, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। बहुत नो बॉल को एम्पायर सर ने कैंसल किया। यहाँ पर दोनों ही एम्पायर आपस में बातचीत करके एम्पायर के निर्णय की अभी प्रतीक्षा। जो भी डिसीजन है जल्दी करें, कमेटी मेंबर से भी निवेदन। इसके बाद फाइनल मुकाबला भी करवाना है, काफी टाइम कम है हमारे पास, सारे चीफ गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है जितने जल्दी हो सके डिसीजन करके इस मैच को चालू करवाएं। कमेटी मेंबर बाड़मेर बुल्स के कैप्टन वही मौजूद हैं गौरव जी प्रजापत, जितना जल्दी हो सके ये डिसीजन दें। जो भी अतिरिक्त प्लेयर है ग्राउंड में बाहर आ जाए। एम्पायर के निर्णय की अभी प्रतीक्षा। वाइड बॉल का इशारा यहां पर, एक और वाइट बॉल।
बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए। हेलो, बार फिर से एक बार अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 6 और बाकी, 36 गेंद 47 रन। मैं हूं महेश कुमार, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं दिनेश जी प्रजापत। दिनेश जी, क्या लगता है इस मैच को लेकर आपको? जी, काफी बड़ा मैच है ये और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा PPL2 का। बहुत ही बढ़िया नियोजन किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम को खत्म करने का भी समय आ गया है। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके से आगाज हुआ उससे भी बड़ा समापन किया जाएगा, लाजवाब होगा। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले फाइनल में सेमीफाइनल हुआ था पहले, उसमें आप थे नहीं मेरे साथ, मैं बता दूं आपको। साहब जी, वो मैंने मैच देख लिया था साहब जी यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो ये अपने समाज का बहुत ही अच्छा काम किया, जो आप नहीं थे फिर भी देखा, जिसमें अब फाइनल में बोरिया स्ट्राइकर्स आ चुकी है। आप इसमें से किस टीम का पलटा भारी मानते हो, बाड़मेर बुल्स और विनायक क्लब उदयपुर में से? जी साहब, मेरी जो टीम है वो है मोरिया स्ट्राइकर्स, क्योंकि काफी अच्छी टीम है, उनकी बॉलिंग लाइनअप बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है और इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, और तो मेरे हिसाब से वही कप लेके जाएगी। बिल्कुल, वो तो है ही। मैं इस हाल ही में चल रहे दिनेश जी मैच का बोल रहा हूँ, जो अभी हाल ही में चल रहा है बाड़मेर बुल्स और जी, इसी के साथ एक सेल्फी लेंगे। बिल्कुल, बॉलर नेम, बॉलर नेम कृपया अपना टी शर्ट दिखाए। ओके, 7 नंबर जैसे कुशाल, कुशल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति प्रीमियर लीग 2 रानी लाइव और ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है दूसरा। पहले जो टूर्नामेंट में अच्छा शॉट खेलते ही दौड़ लिए, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, फील्डर तैनात, जब तक फील्ड करके थ्रो करते बल्लेबाज के पास पूरा मौका था 1 रन लेने का। आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला मैच था उसमें मोरिया स्ट्राइकर ने जीत दर्ज की और फाइनल में जगह पहुंचाई अपनी, और काफी अच्छा मैच था वो भी, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उसमें बल्लेबाजों ने, बॉलिंग वालों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और अभी जो मैच है बहुत ही निर्णायक मैच है, जो इस मैच में जीतेगा वो भी फाइनल में जाएंगे और मोरिया स्ट्राइकर से भिड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट खेलते ही दौड़ लिए दिनेश जी। उस टीम में, उस पहले सेमीफाइनल में आपको बताया हमसा 11 की टीम थी और सामने मोरिया स्ट्राइकर्स, दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी थी अपने समाज की। आप किसका पलटा भारी मान रहे थे सुबह से? जी, इसमें हमसा 11 जो टीम थी वो भी काफ़ी अच्छी टीम थी, और जो अपना हमसा 11 जो नाम है वो हमारे श्री मित्र स्वर्गीय अमर जी मांगेलाल जी भवरिया भंबोरिया, जो कि स्वर्गवासी हो गए हैं, वो काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त थे, बहुत निजी दोस्त थे। और अपील की है और एम्पायर को कोई प्रभाव नहीं उससे, और नॉट आउट का इशारा दिया गया, और विनती है कि एम्पायर से बहस ना करें। अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय दिया जाएगा। खिलाड़ियों से विनती है कि किसी भी प्रकार के अंपायर से बहस ना करें, अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय दिया जाएगा। स्वर्गीयवासी अमर जी मांगेलाल जी भबरिया काफी अच्छे समाज बंधु थे, उन्होंने समाज के लिए काफी कुछ कष्ट किया, क्रिकेट के हिसाब से उन्होंने बहुत
उनकी तरफ से उन्होंने बहुत क्रिकेट के लिए जोर लगाया और इस क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाया। और हमारे साथ में मनोहर प्रजापति धड़ा वाले, उन्होंने भी बहुत जोर किया, 2-3 कप जीते उन्होंने उनकी टीम के लिए, और दोनों की अभी बहुत अपने को याद आएंगी आगे भी। बहुत ही अच्छा शॉट फील्डर तैनात, और एक विकेट का पतन यहाँ पर, सीधा फील्डर के हाथ में, लगाना चाहते थे छक्का और सीधा कैच आउट हो गई और पहला विकेट गिरता हुआ बाड़मेर बुल्स का, बहुत ही बेहतरीन कैच। यहाँ पर आपको बता दूं, आप थे नहीं उसमें, मैंने हमसा 11 के स्टार बल्लेबाज थे रोहित जी, अगर आप YouTube पे उस वीडियो को देखोगे आपकी खुद की आंखें नम हो जाएगी, क्या गजब के बल्लेबाज है रोहित जी। अंत में उन्होंने यही कहा, जो भी फाइनल जीते वो हमसा के लड़के को लेकर फोटो जरूर खिंचवाए, और अपना टी शर्ट उतार कर पीयूष भाई को दिया, बोले आप ये फाइनल तक पहन के रखिएगा, देखते हैं किस प्रकार की प्रदर्शन करती है मौर्य स्ट्राइकर्स। जी देखते हैं, अगला मैच बहुत ही बड़ा मैच है और इस साल का, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पे बॉल बरा नहीं, फिर भी 4 रन मिलेंगे उनको, बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन अंपायर का इशारा। जी महेश जी, आप जो बोलना चाहते थे मैं भी सुना उस बात को, हमसा 11 जो कि उन्होंने जो हमसा 11 रखा वो श्रीमान अमर जी, उनकी याद के लिए रखा, और बहुत ही उनकी टीम के, मेरे भी बहुत उनकी वो रिस्पेक्ट थी, और हार जीत तो कैसा है कि खेल का एक निर्णय है, एक पहलू है, हार जीत होती है, फिर भी उनको मेरे हिसाब से भरोसा नहीं हारना चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। नए बल्लेबाज आए हैं प्रकाश जी, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैच पूरी तरह से दोनों ही टीमों के पक्ष में है, शुरुआती 5 ओवरों में 40 रन बने, अभी पीछे वाले आने वाले 5 ओवरों में 41 रन बनाने हैं, क्या मानते हैं दिनेश जी इस मैच को? हेलो जी साहब, ये जो मैच है मेरे हिसाब से अभी भी बाड़मेर बुल्स के हाथ में है, सिर्फ मात्र 1 विकेट गया उनका, तो उनको संभाल कर बल्लेबाजी करनी होगी और इस मैच को पूरा करना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बिल्कुल, दोनों ही टीमें नहीं है, विनायक क्लब भी अगर यहाँ पे 2-3 विकेट निकाल लेती है तो काफी दबाव पड़ सकता है बाड़मेर बुल्स पे भी। जी सही कहा आपने, संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, और गेंदबाजी अगर विनय क्लब जीतना चाहती है तो विकेट निकालना जरूरी रहेंगे यहाँ पर। सही कहा आपने, देखते हैं नए गेंदबाज आए हैं और थोड़ी फील्ड में जमावट करते हुए। अपील की है लेकिन अंपायर कोई प्रभावित नहीं, अक्सर ऐसे बॉल में बॉलर लगभग वाइड को बचाना चाहता है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, कुछ होता है ये भी। वाइड बॉल का इशारा यहां पर, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ। और बाकी काल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटर, एकदम जिगरी कमेंटर महेश भाई, पूरे मैच का हाल। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर तैनात, डेड बॉल,
बहुत ही अच्छी गेंद, गौरव प्रजापति यहां पर क्लीन बोल्ड हुए। अब आए हैं ताबड़तोड़ हिटर विष्णु जी, बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अभी भी 27 गेंद शेष है, 39 रन। काफी मेहनत करती हुई विनायक क्लब उदयपुर की टीम। बहुत अच्छी गेंद, बैट से बहुत अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद यहां पर, अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 43 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी 4 ओवर बाकी और 38 रन बनाने हैं, 24 गेंदे शेष, 38 रन और बनाने होंगे बाड़मेर बुल्स को अगर ये मैच जीतना है तो। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, विष्णु फॉर्म बाड़मेर, प्रकाश जी फॉर्म बाड़मेर। दोनों टीमों से निवेदन है जल्दी से जल्दी ये मैच खत्म करें, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम आपको भी चाहिएगा और फिर मैं फाइनल मैच चालू किया जाएगा। नए गेंदबाज आए हैं कुशल जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ओवर लेकर आते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं कुशल जी। बैट लक यहां पर विष्णु जी का, बहुत ही बैड लक, सीधे हाथों में, कोई गलती नहीं की यहां पर,
कुशल जी ने, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर, मुकेश जी को भी पता है इस विकेट का मूल्य। अगले नए बल्लेबाज आए हैं पदम जी। बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिंगल लिया पदम जी ने, स्ट्राइक पर आए हैं प्रकाश जी, काफी देर से स्ट्राइक पर खड़े हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर ही। अभी भी बाड़मेर के पास काफी उम्मीद, जब तक प्रकाश जी क्रीज पर है मैच कहीं नहीं जा सकता। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं प्रकाश जी, वहीं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुशल जी। बहुत ही अच्छा एक और सिंगल यहाँ पर, एक और अच्छा सिंगल, अच्छी गेंद अच्छे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 48 रन, 18 गेंदे, 33 रन और भी बनाने हैं अभी। मैच धीरे धीरे बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाता हुआ, अड़तालीस रन तीन विकेट के नुकसान पर, बहुत ही बहुमूल्य विकेट थे वो तीनों ही। ये नरेश जी आ रहे हैं तीसरा ओवर लेकर अपने कोटे का अंतिम, इन्होंने ही मैच में वापसी कराई थी विनायक क्लब को। दो ओवर में 8 रन देकर एक विकेट लिया है अभी तक। अगर ये ओवर मैच का नतीजा बदल सकता है दोनों ही टीमों के लिए। अच्छा शॉट, मिस फील्ड और 4 रन। सत्रह गेंद 29 रन, मैच बहुत ही कसम कसम में आता हुआ धीरे धीरे। 52 रन,
वाइड प्लस अतिरिक्त में 3 रन, इसी के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ जहां 1 भी रन नहीं होना था वहां पर। खेलते ही दौड़ लिए, दूसरा रन लेना चाहते हैं और पूरा भी करेंगे। यहां पर बहुत बड़ी गलती, जो अच्छा खेल रहे थे कोई जरूरत नहीं थी यहां पर। और एक और तोहफे में विकेट देकर जाती हुई बाड़मेर बुल्स की टीम के प्रकाश जी। काफी बड़ा विकेट मिला है यहां पर विनायक क्लब उदयपुर को। मौर्य स्ट्राइकर से निवेदन है जल्द से जल्द मैदान के बीच आ जाएं। मौर्य स्ट्राइकर्स जहां कहीं भी हो मैदान के बीच जल्द से जल्द आ जाएं। बहुत ही अच्छी गेंद, एक और विकेट का पतन यहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद बाड़मेर बुल्स का स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदे शेष, 23 रन बनाने हैं बाड़मेर बुल्स को जीतने के लिए। काफी महत्वपूर्ण ओवर ये मैच का। बॉलर नेम राहुल जी, राकेश जी दूसरा ओवर लेकर आते हुए। तोहफे में मिलता हुआ ये 4 रन बाड़मेर बुल्स के लिए, ये तो रामबाण साबित होगा। 4 रन मिले यहां पर पहली गेंद पर। ग्यारह बॉल 19 रन
बहुत ही अच्छी गेंद, 10 गेंद 19 रन। एक और डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए राकेश जी, 9 गेंद 19 रन। एक और रन आउट यहां पर, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग कैप्टन मुकेश जी के द्वारा, और ये छठा झटका लगता हुआ बाड़मेर बुल्स को। बहुत गलतियां करती हुई बाड़मेर बुल्स इस मैच में, लगातार गलतियों पे गलतियां, रनआउट के रूप में विकेट देकर जा रहे हैं सारे ही प्लेयर्स। 8 गेंद 19 रन बाकी अभी भी। मौर्य स्ट्राइकर्स से निवेदन है जल्दी से जल्दी मैदान के अंदर आ जाएं। जल्दी इसके बाद फाइनल मुकाबला शुरू होगा। व्हाइट बॉल का इशारा, बहुत ही अच्छी। बहुत ही अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 6 बॉल 17 रन बनाने हैं अभी भी, 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। चाय बन गई हो तो कमेंट्री बॉक्स के पास में भिजवा दें। अंतिम 6 गेंदें शेष, मौर्य स्ट्राइकर्स मैदान के बीच आती हुई, जल्दी इनका फाइनल मुकाबला भी चालू होगा। बॉलर नेम राहुल जी, राहुल जी छह गेंद 17 रन
एक और डॉट बॉल, पांच बॉल बाकी, 17 रन बनाने हैं अभी भी बाकी। बहुत ही अच्छी, चार गेंदे 16 रन। व्हाइट बॉल का इशारा, अभी भी चार गेंदे शेष, 15 रन बनाने हैं, 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद, दो गेंद, 13 रन अभी भी बाकी। बहुत ही बड़ा छक्का यहां पर, एक गेंद 7 रन। ये मैच बहुत ही आकर्षक होता जा रहा है, अगर 6 रन बने तो सुपर ओवर हो सकता है यहां पर। एक गेंद, इस तरह से विनायक क्लब उदयपुर ने फाइनल में जगह बना ली है। बाड़मेर बुल्स ये मैच हारती हुई, विनायक क्लब उदयपुर को 15 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। विनायक क्लब उदयपुर 15 मिनट के बाद आपका फाइनल मैच स्टार्ट होगा। उदयपुर की टीम के मैन ऑफ द मैच विनायक क्लब उदयपुर, जिन्होंने ये मैच जीता, इस टीम में मैन ऑफ द मैच